बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। गोश्त को हम धोकर देगची में डालेंगे। इसे हम 2 घंटों तक उबालेंगे। अब ये उबल चुकी है। अब हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम घी डालेंगे। इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज का रंग सुनहरा होने तक हम इनको पकाएंगे। अब प्याज का रंग सुनहरा हो चुका है। इसमें हम कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालेंगे। कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, मेथी डालेंगे। उबला हुआ गोश्त डालेंगे। इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें कढ़ाई मसाला डालेंगे। इसमें हम नींबू निचोड़ लेंगे। अब ये पक चुकी है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पाकिस्तानी क्रंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें।